ढूंढना मतलब उनको फाइंड करना, ओके। लोगों को ढूंढना मतलब लोगों को फाइंड करना, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि हमारा गेस्ट लिस्ट हम बढ़ाए, ताकि मेन चीज जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है हमारे बिजनेस के अंदर, कि आपका पाइपलाइन जो है वो भरा हुआ रहना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप एक ही गेस्ट के पीछे है, आपका हफ्ता चालू हुआ है, आपने एक गेस्ट का मीटिंग किया है, दूसरा दिन उसी को फॉलोअप के लिए फोन कर रहे हैं, चलो मान लो वो अवेलेबल नहीं है, तो आपने वो दिन कुछ नहीं किया, तीसरे दिन भी उनको ही फोन कर रहे हैं फॉलोअप के लिए, वो नहीं आए तो आपका कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से अगर आपका पाइपलाइन में खाली एक ही इंसान रहता है, तो कभी भी बहुत बड़ा कामयाबी नहीं हो सकता है। सो प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपका पाइपलाइन जो है सेल्स के अंदर, पाइपलाइन का भरा हुआ ना बहुत जरूरी है, ओके। सो प्रोस्पेक्टिंग मतलब अपना जो गेस्ट लिस्ट है उसको हमको इंक्रीज करना है, एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। जितना बड़ा आपका गेस्ट लिस्ट होगा, जितना ज्यादा लोग आपके गेस्ट लिस्ट के अंदर होंगे, उतना ज्यादा आप तेजी से बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो जो फर्स्ट स्किल है, दैट इज टू इंक्रीज योर गेस्ट लिस्ट, दैट इज द प्रोस्पेक्टिंग। सो हमको बताया जाता है कि हमको गेस्ट लिस्ट बनाना है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है जब एक इंसान गेस्ट लिस्ट बनाने बैठता है, खुद से ही जो उसको एक प्रॉब्लम आता है वो ये है कि मैं किसका नाम लिखूं, मेरे परिवार के अंदर तो कोई लेगा नहीं लेगा मुझे पता नहीं है, कोई मुझे ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, सब चीज मेरे जो रिलेटिव्स है उसमें कोई लेगा कि नहीं लेगा। एक हम बोल सकते हैं गेस्ट लिस्ट बनाने के अंदर सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है लोगों को प्रीजज करना। क्या आता है कि आपको पी रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। प्रीजज करना मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये ज्वाइन होएगा कि नहीं होगा, ये हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। प्रीजज प्रीजज मतलब यार इसके पास तो पैसा ही नहीं है, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये करेगा या नहीं करेगा, इसको तो समय ही नहीं मिलता है, राइट। इसका फैमिली तो ये प्रकार का है, ये तो बहुत गुस्से वाला इंसान है। प्रीजज करना लोगों को, ये आता है सबसे बड़ा गलती, ये बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रीजज। एक डर और शर्म आ जाता है, 98% लोगों का आगे नहीं बढ़ने का हमारे बिजनेस में रीजन होता है डर और शर्म, फियर एंड शाइनेस, इसको बताओ कि ना बताओ, बराबर। तो हमारा जो बिजनेस है वो आप कौन सी फीलिंग से कर रहे हैं, फीलिंग मतलब कौन सी भावना से आप कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तरीके से कर रहे हैं कि मैं किसको प्रोडक्ट बेच दूं, बराबर, मैं किसको नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करा दूं, फटाफट से जुड़ाने का बिजनेस है, अगर हमारे दिमाग में ये है कि मैं एक सेलिंग कर रहा हूं, मैं एक सेल्समैन हूं, तो ये बिजनेस में कभी भी एक जो फीलिंग है बड़ा फीलिंग से जो बिजनेस करना है वो नहीं हो सकता है। आपको कैसी फीलिंग से बिजनेस करना है कि मैं किसी की मदद करने जा रहा हूँ, आपको कैसी फीलिंग से बिजनेस करना है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस किसी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं उनको अवेयर करने जा रहा हूँ, अवेयर मतलब जागरूक करने जा रहा हूँ कि यहाँ से वो हेल्थ अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रख सकते हैं और अपना वेल्थ अपना फ्यूचर का वो सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज हमारा एक कोर ग्रुप के अंदर मैसेज के ऊपर बात हुआ था, दैट इज 80% लोग है महीना खत्म होने से पहले उनका सैलरी खत्म हो जाता है, 60% ऐसे लोग है, 60% तक ऐसे लोग है जो लोग 1 लाख कमा रहे थे जिनका सर्वे किया गया था, उसमें से 60% ऐसे लोग थे, मतलब मेजोरिटी से भी ऊपर ऐसे लोग थे जिनको मनी का प्रॉब्लम आता था, जिनका मानसिक मासिक मतलब मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा था, उनको भी प्रॉब्लम आता था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज हर एक इंसान को एक एक्स्ट्रा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का जरूरत है। एवरीबॉडी इज हैविंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। सो हमको हमारे गेस्ट लिस्ट के अंदर सभी का नाम लिखना है, हरे के हरे गेस्ट का नाम लिखना है, हमको किसी को भी प्रीजज नहीं करना है। ये प्रीजज करना आपने छोड़ दिया तो ये बिजनेस के अंदर आज से ही आपका तरक्की होना चालू हो जाएगा। इसका नाम लिखू कि ना लिखू, उसको बताओ कि ना बताओ, देखो आप जिसको नहीं बताने वाले हो वो तो वैसे भी नहीं करने वाला है, बट अगर बताया एंड ज्वाइन कर लिया, तो अगर हमने उनको अवेयर किया, जानकारी दिया, अगर हमने उनको एजुकेट किया, एजुकेट मतलब उनको प्रॉपर वैल्यू दिखाया, वैल्यू मतलब कि आपका जीवन यहाँ से कैसे बेहतर बन सकता है, अगर उनको वो बात क्यों, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है,
रिलेटिव्स है, आपके जिम वाले फ्रेंड्स होंगे, कहीं पे क्रिकेट फुटबॉल खेलने आते होंगे वो फ्रेंड्स होंगे, आपके सोसाइटी के जानने पहचानने वाले लोग होंगे। जब आपका मैरिज हुआ होगा, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को देख पा रहा हूँ तो ज्यादातर लोग मैरिड है, राइट? तो जिनका मैरिज होता है उसमें 500 लोग आते हैं, वो 500 लोग कहाँ से आते हैं? मार्स से आते हैं, सैटर्न से आते हैं, कौन से ग्रह से आते हैं लोग? आपको रिप्लाई करना है कॉमेंट सेक्शन में। आप कहाँ से बुलाते हो आपकी शादी में लोगों को? कौन से ग्रह से आते हैं? कम ऑन, फास्ट डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। हम हमारे शादी में लोगों को कहां से बुलाते हैं? कुछ लोगों को सवाल समझ में नहीं आया लगता है। हमारा जब मैरिज होता है तब लोग कहां से आते हैं? कौन से ग्रह से आते हैं? रिश्तेदार आते हैं, बरोबर। मतलब यही पृथ्वी से आते हैं ना? यस नो, हमारे अर्थ से ही आते हैं, पृथ्वी से ही आते हैं, राइट? तो हमारे रिलेटिव्स है, जान पहचानने वाले लोग हैं, उनको हम बुलाते हैं हमारे मैरिज के अंदर। तो उन्हीं सब का नाम हमको लिखना है गेस्ट लिस्ट के अंदर, राइट? जो आपके घर पे धोबी आता होगा स्त्री वाला, उसका भी नाम लिखना है। आप पहले जहां से कुछ खरीदी करते थे उसका भी नाम लिखना है, राइट? सभी का नाम आपको अपने गेस्ट लिस्ट के अंदर लिखना है। आपने अपना घर बनाया होगा तो जो कारपेंटर आया होगा आपको उसका भी नाम लिखना है। आपको सभी का नाम लिखना है, किसी को भी आप प्रीजज मत करो, सभी का नाम लिखो। जिसका इनकम 25,000 है, जिसका इनकम 55,000 है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, द सर्वे बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स फ्रॉम 3,010 सैलराइड इंडियंस। 3,010 ऐसे भारतीय जो सैलरीड थे, जिनको सैलरी था, मिलता था, उनका बारे में लिखा है कि 38% लोग ही ऐसा मानते थे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो फाइनेंस, फाइनेंस मतलब आर्थिक परिस्थिति हमारे हाथ में, उसके ऊपर वाले जो लोग हैं उनका यही था कि हमारे हाथ से हमारा परिस्थिति बाहर चला जाता है। 60 से ज्यादा प्रतिशत तक लोग जिनका मंथली इनकम 1 लाख रुपीज था, वो लोग भी यही बताते थे कि हमको तकलीफ आता है, राइट? जो मंथली पेचेक्स है, पेचेक्स मतलब खर्चे है, वो निकालने में तकलीफ आता है। जिनका इनकम 1 लाख रुपीज भी है, उन लोगों की बात चल रही है, ओके? और नीचे लिखा है 15,000, जिनका इनकम है वो 6 गुना ज्यादा बेचारे तकलीफ में होते हैं। एक डेट ट्रैप मतलब एक खर्चे वाला, जो हम बोल सकते हैं उधार के चंगुल में फंसने के लिए उनका ज्यादा संभावनाएं होता है, 6 गुना ज्यादा। किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना है, ये गेस्ट लिस्ट के अंदर आपको सभी का नाम लिखना है, किसी को भी आपको नहीं छोड़ना है। जो नहा रहा है, जो मुंह धोता है, जो आज जॉब कर रहा है, हमको सबका नाम हमारे गेस्ट लिस्ट के अंदर लिखना है। बिकॉज सबको अच्छा हेल्थ रखना है एंड सबको अच्छा वेल्थ रखना है, सबको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, राइट? हमारा जो बिजनेस है, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमको बात करना है, हमारा जो बिजनेस है वो पूरे का पूरा निर्भर है संबंधों के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। आपको आर रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आर मतलब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब संबंध। पूरा बिजनेस है वो संबंधों के ऊपर निर्भर कर रहा है। मतलब आपको पहले अपने ऐसे 20 से 25 लोगों का नाम लिखना है जो आपके साथ बहुत ही क्लोज है, जिनका आपको कुछ महीने में या तो 2 महीने में या तो लास्ट 3-4 महीने में आपका जिनसे मिलना हो गया हो, फोन पे बात हो गया हो, हाय हेलो हो गया हो, बर्थडे या एनिवर्सरी या उनका एनिवर्सरी के ऊपर आपका बात हो गया हो, ऐसे शुरुआत के आपको 20 से 25 लोगों का नाम लिखना है, राइट? जिनके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप है। नेबर्स आ गए उसमें, जिनके साथ आप जिम में मिलते हो रेगुलरली वो लोग आ गए, कहीं पे खेलने जाते हो तो वो लोग आ गए, जॉब पे जाते हो तो वो लोग आ गए, राइट? जो आपके क्लोज फ्रेंड्स है उनका नाम। दूसरा चीज, जैसे मैंने आपको बताया क्लोज फ्रेंड्स है तो अभी रिलेशनशिप ताजा ही है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लास्ट 6 महीने से, 1 साल से हमारा बात नहीं हुआ है। पहले जब हम अलग दूसरी जॉब पे थे तब बहुत क्लोज थे, हम जब स्कूल कॉलेज में थे तब वो लोग बहुत क्लोज थे, आपका शादी हुआ उससे पहले वो बहुत क्लोज थे, फिर आपका शादी होने के बाद दूसरे जगह आप चले गए तो थोड़ा हमारा उनसे डिस्टेंस हो गया। ऐसे लोगों का हमको टच में लाना है। किस तरीके से लाना है ये चीज के लिए हमको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनता है व्हाट्सएप के ऊपर, राइट?
क्या बनाना है आपको, बीएल, बीएल फॉर ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आपको बीएल रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस किस चीज का है, संबंधों का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो वो जो 20-25 लोग है जिनका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिखा है, बराबर, उनका नाम लिखा है, अभी जो 26वां इंसान है उनको मैं अभी से कुछ गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दूंगा, मोटिवेशनल कुछ मैसेज कर दूंगा, ओके, मतलब वीक में 1 से 2 बार या तो मिनिमम 1 बार तो मैं उनको कोई मैसेज कर दूंगा फ्रेंडशिप वाला, ओके। मतलब मेरे जितने भी 250 का गेस्ट लिस्ट है, अभी आपका 50 का है उसको आपको इंक्रीज करना है 250 तक, अभी आपका 100 का है उसको आपको इंक्रीज करना है 250 तक, उनको आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट फायर किया। ब्रॉडकास्ट लिस्ट से क्या होगा, जब वो आपका मैसेज देखेंगे तो उनको याद आएगा, हाँ मेरा ऐसा कोई फ्रेंड है, ओके। कुछ लोग आपको रिप्लाई भी करेंगे, जिनका रिप्लाई आएगा उनसे हम थोड़ी नॉर्मली भी बात कर सकते हैं, हाय हेलो क्या चल रहा है, राइट, बाकी तो बाद में हम, मतलब बाकी हम टच में रहते हैं, ओके। इस तरीके से क्या होगा, हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है वो थोड़ा बन जाएगा, नहीं तो 2 साल पहले किसी को मिले इनसे डायरेक्टली हम फोन करते हैं उनको, किस चीज के लिए, एक्चुअली एक मीटिंग के लिए फोन किया था, ओके। सो एक प्रोसेस है उसको हमको फॉलो करना है। हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में प्रोडक्ट के फोटो भेजना मत चालू कर दो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर अभी से टेस्टिमनी मत भेजना चालू कर दो प्रोडक्ट का, बेचने वाले मोड में मत आ जाओ, मोड मतलब जैसे हमारा फोन होता है ना, साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड, जनरल मोड, वैसा किसी का मोड होता है सेलिंग मोड, जैसे फोन करते हैं हेलो मैंने आपको एक मीटिंग के लिए फोन किया है, मैंने प्रोडक्ट लेने का चालू किया है, ऐसा उनका फोन का स्क्रिप्ट चालू हो जाता है, हमेशा बेचने के मोड में रहते हैं। बट पहले हमारे बिजनेस के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको संबंध बनाना पड़ेगा, राइट, ये संबंधों का बिजनेस है, ये एक रिलेशनशिप का बिजनेस है, तो आप पहले रिलेशनशिप स्ट्रांग कीजिए, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर बात हुआ हमारा, कि पहले हमने 20 से 25 लोगों का ऐसा नाम लिखा जो लोग के साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप है, एंड उसके ऊपर वाले लोगों का हमने ब्रॉडकास्ट करना चालू किया। आर यू ऑल विथ मी, यस नो, डू रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन फर्स्ट, सबको रिप्लाई करना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर, कम ऑन फर्स्ट, क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप हरे के हर एक चीज को नोट डाउन कर रहे हैं, सबसे रिप्लाई जाता हूं मैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। सो लेट्स गेट कंटिन्यू, वापस से हम लोग चार्ज हो जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए, दैट इज हमारा गेस्ट लिस्ट बन गया, अभी हम जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि हमको जो सोशल मीडिया वाले हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका हमको फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू हमको उनका नाम लिखना है। अब क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोगों का जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें किसी का पहाड़ होता है, किसी का अभी जैसे गणेश चतुर्थी का तो गणपति का फोटो होता है, किसी का कोई भगवान का फोटो होता है, आपको पहले अपना फोटो रखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, आपको अपना फोटो रखना है। अपना फोटो क्यों रखना है, क्योंकि लोग लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, कोई हम कहते हैं ना पहाड़ के फोटो के साथ कोई संबंध नहीं बनाने वाला है, लोगों को फेक प्रोफाइल लगता है, लोगों को ये एक जेन्यून, जेन्यून मतलब फेक मतलब गलत, ये एक फ्रॉड वाला इंसान का प्रोफाइल है ऐसा लगता है, इसलिए आपको अपना फोटो रखना है, कवर फोटो एंड प्रोफाइल फोटो जो फेसबुक के ऊपर आता है। अब ये बात आता है कि मैंने तो कभी फेसबुक यूज नहीं किया है, तो वही बात है कि हमको सपने पूरे करने हैं, ड्रीम पूरा करना है, तो ये जो छोटे बदलाव है वो हमको लाने हैं, ये चीज से आपका गेस्ट लिस्ट बढ़ने वाला है, ये चीज से आपके नेटवर्क में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको महीने का लाखों रुपया इनकम तक पहुंचाने वाले हैं, ये प्रोसेस से आपकी टीम के अंदर सिल्वर गोल्ड डायमंड आने वाले हैं, आप सिल्वर गोल्ड डायमंड बनने वाले हैं, इसलिए जो छोटी मोटी चेंजेस है वो आपको कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमारा प्रोफाइल फोटो चेंज कर लिया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, अब
जो हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के फ्रेंड्स है जिनका हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, ओके, वो आपको दिखेंगे, उनको आपको शॉर्टलिस्ट करना है, उनका भी नाम आपको डायरी में लिखना है। कोई स्टोरी रखता है, किसी का स्टोरी रखता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो उस पर आप कॉमेंट कर सकते हैं, हाय हल्लो कर सकते हैं। इससे क्या है, हम हमारा गेस्ट लिस्ट बढ़ाएंगे। अभी से ये चीज चालू रखेंगे, कॉन्स्टेंटली आपका गेस्ट लिस्ट है वो बढ़ता जाएगा। आपका गेस्ट लिस्ट है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जिसका गेस्ट लिस्ट खत्म हो जाता है उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। सो गेस्ट लिस्ट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस तरीके से हमको हमारा गेस्ट लिस्ट इंक्रीज करना है। तो हमने फेसबुक पे एंड हमने इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले क्या किया, एकदम बेसिक चीज है, आपको अपना फोटो चेंज कर लेना है। एक अच्छा फोटो रख लो, ओके, किसी का कुछ भी फोटो होता है फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, कुछ भी रख देते हैं फोटो के अंदर, तो एक मानस का फोटो जो आप है उनका आपको अपना खुद का रखना है। दूसरा चीज, आपने कोई मैरिज में अभी आप रिसेंटली गए होंगे या तो कोई फेस्टिवल में गए होंगे, तो उसका भी आप एक दो कुछ फोटो अपलोड कर दो आपकी प्रोफाइल के अंदर, ताकि कोई भी इंसान को आप मैसेज करे वो आपका प्रोफाइल पे आए तो उसको लगे कि हाँ ये एक सही इंसान का फोटो, मतलब सही इंसान का प्रोफाइल है। क्या आप सब मेरे साथ है? यस नो, डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। क्या आप सब मेरे साथ है? यस नो, हाँ या ना? आप समझ रहे हैं क्या बात हो रहा है? हमको सोशल मीडिया जो है उससे हमारा जो गेस्ट लिस्ट है वो हमको अच्छा बनाना है, राइट? सोशल मीडिया, द पावर ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपको पता है कि आज ये कोई अभी खाली जान पहचान करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे आज लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उस पर आपको कुछ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दो तीन छोटी चीजें करनी है जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ओके? सो हमने हमारा प्रोफाइल फोटो चेंज कर लिया, हम लोग रिसेंटली कोई शादी में गए थे, गणपति बाप्पा मोरिया हमने किया था, तो उसके कुछ आपके फोटोज होंगे, फैमिली के कुछ फोटोज होंगे, वो आपको नॉर्मली अपलोड कर लेने हैं जो एक हाई क्वालिटी के अंदर हो। किसी का मुंह ऐसा मतलब खराब हो गया है ना, आंखें बंद है ना, ऐसा फोटो मत अपलोड करना, एक अच्छा फोटो आप अपलोड करना, राइट? इससे क्या होगा, हम किसी के स्टोरी पे रिप्लाई करेंगे, हम किसी को मैसेज जब करेंगे वो आके पहले हमारा प्रोफाइल फोटो देखेगा, हाँ यार ये इंसान को तो मैं जानता हूँ, ओके? क्योंकि उसका क्या है ना, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है ना, आप उसके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, ये आपका फेसबुक फ्रेंड है, बहुत पुराना फ्रेंड है जिसके साथ आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था बट ऑनलाइन आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर डायरी में लिख लेना है हाई हल्लो करके, ओके? ऐसा ही करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐसा ही करना है फेसबुक के ऊपर। ये हो गया हमारा सोशल मीडिया का बात। और एक बात है, फिफ्थ पॉइंट जिससे हमारा गेस्ट लिस्ट बना सकते हैं और गेस्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं, दैट इज रोज रोज जो है, मान लो कोई आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पे एटीएम में खड़े हैं, एटीएम में बाजू में कोई इंसान खड़ा है उसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, आप कहीं पे कोई चीज खरीदने के लिए गए हैं वहां पे आपको कोई हर बार एक इंसान मिलता है, मतलब मान लो जान पहचान वाला है, दो तीन बार आपको मिले हैं, नॉर्मली हाई हल्लो होता है, उनके साथ आप बातचीत करके उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। आप सैलून के अंदर बाल कटाने के लिए गए हैं, बाजू में कोई बैठा है, हर बार आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, हम उनके साथ बातचीत करके उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। बातचीत कैसे शुरुआत करनी है, बातचीत का शुरुआत करना है सवाल के साथ, राइट? जैसे मान लो आप कोई एरिया के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, एंड वो एरिया का नाम है अखबार नगर, आप वहां पे गए हैं बाल कटाने के लिए, आपने पूछा आप अखबार नगर में ही रहते हो, बोला नहीं मैं इधर रहता हूँ उधर रहता हूँ, ओके ओके मैं एक्चुअली इधर रहता हूँ, ऐसा करके हमने बातचीत का शुरुआत किया। तो आप क्या करते हो, जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो? मैं ये करता हूँ। इस तरीके से हमको सभी जगह पे गेस्ट दिखने चाहिए, राइट? सभी जगह पे हमको हमारा बिजनेस दिखना चाहिए, सभी जगह पे हमको हमारे सपने दिखने चाहिए, राइट? इस तरीके से हम हमारा गेस्ट लिस्ट को क्या करेंगे, एवरीडे इंक्रीज करेंगे। कभी भी हमारे बिजनेस के अंदर जिसका गेस्ट लिस्ट जो है वो लगातार बढ़ाते रहते हैं, उनका बिजनेस हमेशा लगातार आगे बढ़ता रहता है। ऑलवेज इंक्रीज योर गेस्ट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। क्या आपको क्लियर हो रहा है व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? यस नो, डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फास्ट, कम ऑन फास्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, हमको कैसे हमारे गेस्ट लिस्ट को लगातार एवरीडे बेसिस पे इंक्रीज करना है? ये ऐसी चीज है जो आप घर से भी कर सकते हैं,
ये ऐसी चीज है जो आप जॉब पे आते जाते बस में आप आ जा रहे हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो आप अपने घर पे, जो हमको बीच में हाफ एन आवर 40 मिनट्स का टाइम होता है, आप उसमें भी कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो कहीं से भी हो सकती है, दैट इज द प्रोस्पेक्टिंग। आपका रोज 3 4 5 का गेस्ट लिस्ट बढ़ना ही चाहिए, 3 4 5 का गेस्ट लिस्ट इंक्रीज होना ही चाहिए। इसमें कोई बड़ी स्किल का जरूरत नहीं है, इसमें खाली चाहत का जरूरत है, इसमें खाली सपनों का जरूरत है, राइट? तो हमने क्या किया, हमने हमारा प्रोस्पेक्टिंग करके हमने हमारा गेस्ट लिस्ट को बढ़ाया। ओके, सो हर एक जगह हमको बिजनेस को देखना है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था आज के सेशन का, दैट वाज द प्रोस्पेक्टिंग। सेकेंड जो पार्ट है हमारा आज के सेशन का, दैट इज द कॉलिंग। हमको कॉलिंग करना है, एंड कॉलिंग का आज हमने एकदम मस्त सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। कॉलिंग ऐसी चीज जो है जिसमें 90%, 90% तक लोग जिसमें गलती करते हैं। कॉलिंग ऐसी चीज है जो 50% तक लोग करते ही नहीं है, फोन ही उनका नहीं उठता है, उनका फोन 2 किलो का हो जाता है कॉलिंग करना होता है तो। शायद प्रिजत करने के कारण, शायद एक डर के कारण कि मैं क्या बात करूं, शायद स्किल्स, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब क्या बोलना है मुझे, उसका स्किल्स का कमी के कारण। क्योंकि आपको पता है कि जो तैयारी करके जाता है उसका आत्मविश्वास हमेशा ज्यादा होता है, जो एक तैयारी करके फोन करता है उसका जो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास है वो हमेशा ज्यादा होता है। क्योंकि गेस्ट लिस्ट बनाएंगे, उनका कॉल करेंगे तो मीटिंग होगा, तो फॉलोअप होगा, तो एक्टिवेशन आएगा, तो रिपर्चेजिंग होगा, तो लॉयल्टी होगा। बट जब कॉल ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, गेस्ट लिस्ट ही नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो पहली दो स्किल्स है उसके ऊपर आपको एक मास्टरी ले लेना है, मास्टरी मतलब आपको हुनर उसके ऊपर एक बड़ा वाला ले लेना है। ओके, सो जो सेकेंड पार्ट है हमारा उसके ऊपर हम बढ़ते हैं, दैट इज द कॉलिंग। एंड कॉलिंग का हमारे पास आज एक बहुत ही बढ़िया वाला स्क्रिप्ट है, बहुत ही मस्त वाला स्क्रिप्ट है। सो क्या आप वो चीज के लिए एक्साइटेड है? यस नो, डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। अब सबको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर जो हमारा स्क्रिप्ट है वो। कॉलिंग का हमने ये स्क्रिप्ट है वो आपके जल्दी से मीन्स जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पहुंच जाएगा ये स्क्रिप्ट। एंड इसको हमने पूरा ऑटोमेट कर दिया है। आप इसका पीडीएफ मतलब इसका आपको एक जेरॉक्स निकाल लेना है, जिससे जब भी आप फोन कर रहे हैं तो आपको सामने ये चीज को रखना है, एंड इसी में से फिर आपको कॉलिंग करना है। एंड आप 5 6 लोगों को करेंगे तो आपका ये कॉलिंग पक्का हो जाएगा। तो इसमें अभी आपको ना कोई अपलाइन से लिखवाने का जरूरत है, ना आपको खुद लिखने का जरूरत है, क्योंकि इसमें सब चीज आ गया है। आप इसमें से ही अगर आप मतलब और परफेक्ट करना है तो आप इसमें से ही लिख सकते हैं। ये प्रॉपर हमने स्क्रिप्ट बना दिया है। ओके, सो इसमें से ही आपको एक फाइनल कॉलिंग करना है। सो हम कॉलिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको दिख रहा है शुरुआत करना है तीसरे टॉपिक के साथ, राइट? रिलेशनशिप का बात करना है, शुरुआत करना है एक तीसरे टॉपिक के साथ, रिलेशनशिप का बात करना है। कोई टॉपिक कॉमन पता हो गेस्ट के बारे में तो आपको उसके ऊपर बात करना है। जैसे कोई कॉमन टॉपिक होता है गेस्ट के साथ कि मतलब पॉलिटिक्स में किसी को बहुत रुचि होता है तो हम पूछते हैं उसको, बाकी इस बार किसका सरकार आने वाला है। किसी को आपका कोई कॉमन टॉपिक हो ऐसा कोई फ्रेंड के रिगार्डिंग, या तो वो पहले जहां पे रहता था वो आपको पता हो, कहाँ अभी उधर ही रह रहा है, ओके इधर रह रहा है, उधर ही जॉब पे है, ओके इधर ही है, जो भी कॉमन टॉपिक है उसके ऊपर हमको बात करना है, राइट? घर में सब कैसे है, ये नॉर्मली हमने बात कर लिया। आपको उसको केबीसी की सीट पे नहीं बिठा देना है सवाल पूछ पूछ के, बराबर ना? कौन से माले पे है अभी तू, किधर रह रहा है, कौन से माले पे रह रहा है तू, अभी लिफ्ट है कि नहीं है उधर, चालू है लिफ्ट, बराबर? अपने को उसको केबीसी की सीट पे नहीं बिठा देना है। नॉर्मल जो एक रिलेशनशिप बनाने के लिए जो हमको चाहिए वही हमको उसके साथ बात करना है, राइट?
ये क्या हो गया, संबंध। हमने एक तीसरे टॉपिक के साथ बात करने का शुरुआत किया। आपने देखा था उनको कोविड के टाइम पे, कोविड हुआ था तो आपको उनको पूछ लेना है कि बाकी अभी सब नॉर्मल हो गया कोविड के बाद, प्रॉपर 100% रिकवरी हो गया, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बहुत आ जाता है। तो कुछ लोग फोन करके तुरंत क्या बोलते हैं, हेलो मैंने किस ज्वाइन किया है, उसका भी हमने नीचे लिखा है इसमें क्या बोलना है नहीं बोलना है, बराबर। तो पूरा हमने यहाँ पे एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्रिप्ट बनाया है। तो सेकंड पॉइंट है, आपको बाजू में दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, मैं भी मोबाइल में ही देख के आपके साथ बात कर रहा हूँ ताकि आप भी ये चीज को मेरी तरीके से सेम समझ पाए। तुझे एक महत्वपूर्ण चीज के लिए कॉल किया था, एक्चुअली एक सेशन या मीटिंग जो आपको बताना हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, उसके बीच में हमने ऑप्शन रखा है। इसलिए जो सेशन मीटिंग मैंने हाल ही में, मतलब रिसेंटली अटेंड किया था, उसी का बात था। एक्चुअली तुझे एक महत्वपूर्ण चीज के लिए कॉल किया था, मैंने एक सेशन रिसेंटली मतलब हाल ही में अटेंड किया था, उसके लिए तेरे साथ बात करना था। जैसे तुझे पता होगा अभी कि मार्केट सिचुएशन मतलब स्थिति के बारे में, हर साल महंगाई 10-15-20% और कोई चीजों में तो उससे भी ज्यादा बढ़ रही है, पर क्या इस गति से डबल डिजिट में हमारी इनकम बढ़ रही है? जैसे गैस का सिलेंडर का रेट की बात करें तो 2020 में 640 था और अभी 2022 में 1050 हो गया है, 50% से भी ज्यादा बढ़ाया है, बढ़ गया है। सो अगर यही रेट से हमारी इनकम नहीं बढ़ती है तो कभी भी हमारे हमारा वेल्थ क्रिएशन, बचत, संपत्ति का सृजन नहीं हो सकता है, फ्यूचर सिक्योरिटी, सुरक्षित भविष्य नहीं हो सकता है। बहुत बार इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम गेस्ट के पेन पॉइंट मतलब उसके जीवन में होने वाले जो कष्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं हम, आप हमेशा याद रखना, सेलिंग के अंदर जब एक इंसान को वैल्यू दिखता है, वैल्यू मतलब वो चीज खरीदने का फायदा, ये चीज लेने से मेरा जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, अगर वो चीज वो सामने वाले को पता चल जाता है तो वो आएगा ही आएगा। ये इनविटेशन के अंदर या शुरुआत के अंदर ना कंपनी शब्द आया है, ना ज्वाइन किया है, ना प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं आया। आप देख सकते हैं वैल्यू, वैल्यू मतलब उसका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, हम वही बात कर रहे हैं। आपको वी रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, वी फॉर वैल्यू इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन फास्ट, सभी से रिप्लाई चाहता हूं मैं। जिसको वैल्यू दिखेगा नहीं वो मीटिंग में आएगा नहीं, राइट? तो मैं मेरा खुद से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, मैं खाली जो चीज इधर लिखा है वही बता रहा हूं। इनविटेशन फॉर हाउसवाइफ, पहले का चीजें कॉमन है, ओके। हाउसवाइफ के इनविटेशन के अंदर, हाउसवाइफ की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ हमारे भी ड्रीम सपने होते हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पर यही चीजों के लिए हमारा निर्भरता पूरा हस्बैंड के ऊपर होता है। तो हाउसवाइफ के साथ साथ हम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, उसी के ऊपर यहाँ पर बात होने वाला है। मतलब जो सेशन है उसके अंदर उसी के ऊपर बात होने वाला है, और यहाँ से ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ है जो आगे बढ़ चुके हैं, जो मीटिंग देने आने वाले हैं। चलो वापस ऊपर हाउसवाइफ पे हम रिपीट कर देते हैं बात। एक हाउसवाइफ के जीवन के अंदर कौन से पेन पॉइंट्स मतलब दुखती नस, दुखती नस मतलब उनको सबसे हम बोल सकते हैं तकलीफ देने वाली चीज कि क्या है, जिम्मेदारियां घर का होता है, एक हाउसवाइफ होते हैं, उनको भी सपने होते हैं, उनको भी ऐसा होता है कि खुद का पहचान बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, परिवार के लिए कुछ करना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, बट कोई भी चीज वो नहीं कर पाते होते, हर एक चीज का निर्भरता उनका अपने हस्बैंड के ऊपर होता है, ओके। सो हम पहले उनका जो पेन पॉइंट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम उनको एक वैल्यू दिखा रहे हैं, हम उनको एक वैल्यू शो कर रहे हैं कि सेशन में आने के बाद क्या होगा, एज अ हाउस वाइफ आप कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, एज अ हाउस वाइफ आप कैसे अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ है,
हम सोशल प्रूफ बता रहे हैं। सोशल प्रूफ मतलब देखो उसने भी किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया, इसने भी किया, चलो मैं भी कर लेता हूँ, राइट। पांच छह लोगों को देख के हम भी वो चीज कर लेते हैं, इसलिए हम उनको क्या बता रहे हैं। और यहाँ से ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ है जो आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ओके। जो मीटिंग अभी तक सब समझ में आ रहा है, यस नो डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। पूरा हमने यहाँ पे सब चीजें लिख दिया है, इसी में से आपको बोल के भी आप इनविटेशन कर सकते हैं। क्लियरली आपके सामने है इनविटेशन, ये हिंदी में है, इसको गुजराती में भी अनुवाद कर दिया है हमने। जिन लोग को हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे तकलीफ है, वो गुजराती में भी हमारा इन्विटेशन रेडी हो गया है, राइट। अभी जो करना है अपने को धमाके बुलाने हैं, तो कहीं पे भी कहीं पे भी कहीं पे भी हम अटकेंगे नहीं, खतरनाक वाला स्पीड में हम आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। तो आपको एक बड़ा टारगेट ले लेना है ये महीने के लिए। छठे पॉइंट की ओर जाते हैं, जो मीटिंग देने आने वाले हैं उनका हाइप बनाना है। उन्होंने बिजनेस का टर्नओवर बड़ा कर लिया है, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, यह चीज बताकर उनका एक बड़ा महत्व पैदा करना है। जो मीटिंग देने आने वाले हैं उनको कुछ अपलाइन को जो मिलाने वाले होते हैं, डाउनलाइन कैसे मिला लेते हैं, ऐसा कोई नॉर्मल चना ममरा आने वाला हो कोई, राइट, कोई नॉर्मल मानस आने वाला हो, ऐसा मिला देते हैं। बट आप उनका एक महत्व पैदा कीजिए, महत्व मतलब एक हाइप, आप उनका एक हाइप क्रिएट कीजिए, ओके। हाइप मतलब मैंने उनके बारे में बताया कि उन्होंने अपने कामयाबी का पहला कदम रख लिया है, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, वो हाइप में आपको दिख रहा है, उन्होंने अपना बिजनेस का टर्नओवर बड़ा कर लिया है, राइट। जैसे मान लो आपकी कोई अपलाइन है जो आने वाले हैं, तो उनका बता सकते हैं कि उन्होंने अपना जो बिजनेस का टर्नओवर है, अगर मान लो उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, नॉर्मल लेवल के ऊपर है, तो आप ये बता सकते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, उनके अंदर बहुत अच्छा स्किल्स है, एंड उन्होंने उनके थ्रू आज बहुत लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे इंसान के पास से आज मैंने समय लिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें समय का बात हो जाएगा, टाइम कंफर्मेशन का बात हो जाएगा, पर उससे पहले जो मीटिंग देने आने वाला है उसका आपको एक महत्व पैदा करना पड़ेगा। महत्व मतलब एक हाइप, नहीं तो सामने वाले को क्या लगता है, कोई आलतू फालतू मानस आने वाला होगा, राइट, कोई भी ऐसा नॉर्मल कीड़ा मकोड़ा आने वाला होगा, उनको ऐसा लगता है। तो हमको एक क्या करना है, एक हाइप बनाना है, एक महत्व पैदा करना है। आपको एच रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, एच फॉर हाइप इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन फास्ट। हाइप मतलब महत्व, महत्व मतलब एक इम्पोर्टेंस, जो आने वाला है उनका मैं एक इम्पोर्टेंस पैदा कर रहा हूँ गेस्ट के सामने, ताकि उनको एक क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब एक आतुरता रहे कि मुझे इनको मिलना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, एक टाइम कंफर्मेशन लेना है, मतलब ये बात आपको गेस्ट को नहीं बताना है, ये आपके लिए लिखा है। एक टाइम कंफर्मेशन लेना है हमको, 1 या 2 बजे मिले ऐसा विकल्प देना है, और कंफर्म करना है टाइम, यह सेशन 30 से 40 मिनट का रहेगा, ऐसा बात बता देना है, राइट। सो छठा पॉइंट में हमने क्या किया, हाइप बनाया जो देने आने वाले हैं। सातवां पॉइंट में हमने क्या किया, उनसे टाइम का कंफर्मेशन लिया। तो आपके जॉब का समय क्या है, आपका आज का जो स्केड्यूल है, राइट। तो जॉब वाले बताया मैं 6 बजे आने वाला हूँ, ठीक है, तो फिर मैं उनसे एक्चुअली मुझे टाइम लेना पड़ेगा, तो हम लोग 7 बजे मिले कि हम लोग 8 बजे मिले, ऐसा हमको एक समय लेना है, जो हाउसवाइफ है तो उनको हमको कभी भी किसी के भी साथ आपको फ्री है कि नहीं तू वो शब्द का प्रयोग नहीं करना है। फ्री है कि नहीं मतलब क्या है, फ्री शब्द एक इंसान कब यूज करता है कि जब कोई भी मतलब बगैर काम का जो चीज हो वो करता है, एक इंसान तब है जब वो फ्री होता है, एंड अपना एक ऐसा काम है जिससे उसका जीवन बदलने वाला है। तो फ्री वाले टाइम का हमको वो जो फ्री शब्द है उसका हमको इस्तेमाल नहीं करना है। हमको उनको क्या बताना है कि जैसे आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो हम एक टाइम जो है जैसे 2 बजे आफ्टरनून का टाइम सही रहेगा कि इवनिंग का टाइम सही रहेगा। मान लो हम कोई हाउसवाइफ से बात कर रहे हैं, तो आफ्टरनून में हम कौन से समय पे मिले, 2 बजे मिले या 3 बजे मिले। मैं जो बता रहा हूँ वो चीज आप लिखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज आप लिखो, ये चीज जो है वो उसमें भी बताया है, बट अगर कोई अलग चीज है तो आप ये बात भी लिख लीजिए। तो हम लोग आफ्टरनून में मिले, 2 बजे मिले, 3 बजे मिले, ऐसा हमको एक विकल्प देना है, ऑप्शन देना है, ओके। कभी भी आप गेस्ट को ये मत पूछो कि तो मिल सकते हैं कि नहीं, तो हाँ या ना में जवाब आएगा,
हाँ या ना का विकल्प देंगे तो हाँ या ना में जवाब आएगा, बट 1 बजे मिले कि 2 बजे मिले तो 2 में से 1 विकल्प आएगा। जैसे आप पिज्जा खाने जाते हैं तो आपको मीडियम चाहिए लार्ज चाहिए, स्मॉल का नहीं पूछता है, क्योंकि आप मीडियम या लार्ज में से सिलेक्ट करें इसलिए वो आपको स्मॉल के बारे में नहीं पूछता है, जिसके कारण वो हजारों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं ये 2 विकल्प देने के कारण, वो स्मॉल पूछते ही नहीं है। सिमिलरली हमको भी नहीं पूछना है कि आप आओगे या नहीं, हमको क्या पूछना है 1 बजे मिले या 2 बजे मिले। क्या आप सब मेरे साथ है? यस नो डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। आर यू ऑल विथ मी? लेट्स हैव द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। सो ये हो गया हमारा कंफर्मेशन गेस्ट का। अभी आता है हम उनको इनवाइट कर रहे हैं जो मान लो जॉब करते हैं। ओके, हम एक जॉब वाले का इनविटेशन देख लेते हैं, जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा जॉब इनविटेशन फॉर जॉब पर्सन दिख रहा है सबको। यस नो इनविटेशन फॉर जॉब पर्सन, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ऊपर के पॉइंट्स है उसमें जो हाउसवाइफ का जो पॉइंट है वो खाली अलग है, बाकी सब पॉइंट सेम है। एंड जॉब में क्या अलग पॉइंट है वो नीचे लिखा गया है। जैसे जॉब में 80% तक लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट को सेफ सेफ मतलब सुरक्षित नहीं मानते हैं। तो यह एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग मतलब हाल ही, मतलब जो रिसेंटली चल रहा है, तो यही एग्जिस्टिंग हाल ही में चल रही जॉब के साथ साथ आप भी फ्यूचर सिक्योरिटी वेल्थ क्रिएशन बचत संपत्ति का सर्जन कैसे कर सकते हैं उसके लिए सेशन है। और यहाँ से हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे जॉब पर्सन है जो अपने लाइफ को एक ऊपर के लेवल पर ले जा चुके हैं। तो हमने जॉब का जो दुखतानस है, जॉब पर्सन का क्या दुखतानस होता है? स्ट्रेस। 80% तक लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, अपने रिटायरमेंट को सेफ नहीं मानते हैं, ये चीज हमने उनको बताया। हम क्या दे रहे हैं गेस्ट को? हम दे रहे हैं वैल्यू। वैल्यू मतलब उनको महत्व पैदा कर रहे हैं कि आपको आना क्यों है। ना हमारा ज्वाइन करने का बात हुआ, ना हमारा बिजनेस कर रहे उसका बात हुआ, ना हमारा प्रोडक्ट का बात हुआ। हमारा बात क्या हो रहा है? हमारा बात हो रहा है उसके जीवन के अंदर एक अच्छा बदलाव लाने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा जॉब वाले का इनविटेशन। उसके बाद आता है छठा सातवां पॉइंट, टाइम कंफर्मेशन, अपलाइन का हाइप बनाना, ये सब कॉमन है। ऊपर के जो 1 से 5 पॉइंट है वो भी कॉमन है। इनविटेशन फॉर जो हाउसवाइफ के जो 2 चीजें 2 लाइन लिखी है उसके अलावा जॉब वाले के अंदर भी सब कॉमन है, मतलब 2 लाइन को छोड़ के सब कॉमन है। ये इनविटेशन ही आपको बार 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 लगातार देना है। हम भी यही इनविटेशन देते हैं, यही इनविटेशन से मीटिंग करते हैं और एक्टिवेशन क्लियर करते हैं। ओके, सबको क्लियर हो गया? यस नो? आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड है? ये सब जो मटेरियल्स है, ये सब जो चीजें हैं जिससे आपका बिजनेस बहुत फास्ट आगे बढ़ने वाला है, जो आपके आने वाली टीम आएगी उसको भी सिखाने के लिए हमने ये हमने उनको खाली पीडीएफ भेजना है। पीडीएफ खाली फोन के ऊपर उनको एक बार समझा देना है, देखो ये पीडीएफ है उसमें ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एंड इस तरीके से आपको इन्विटेशन चालू कर देना है। फास्ट, सब हमको स्पीड में करना है, सब हमको तेजी से करना है, राइट? ये स्पीड कब आएगा? ये सब ऑटोमेशन के कारण आएगा। ओके, सो अभी तक मैंने हजारों लोगों का इनविटेशन किया, बहुत ज्यादा मैंने बुक्स पढ़ा है सेल्स के ऊपर, कैसे लोगों से बात करना है उस चीज के ऊपर। जैसे देखो मैं आपके साथ 2 बुक के बारे में, एक है ये आपको दिख रहा होगा रेलेवेंट सेलिंग, एक दूसरा बुक है क्रिएटिव कॉम्पिटेटिव, क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, राइट? सो ये मैंने बाहर से मंगवाया था बुक। ये बुक का कॉस्ट है $20, ये $20 का बुक है, एक बुक की बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो जितने भी सीनियर्स की मेहनत से ये हमने स्क्रिप्ट बनाया है, जो भी आपके अपलाइंस है एग्जीक्यूटिव एंड अबव, उनकी जो मदद से मेहनत से हमने स्क्रिप्ट बनाया है, उन सब लोगों ने अभी तक हजारों इनविटेशन किया है, हजारों मीटिंग्स किया है, उन्होंने इतना सारा बुक्स पढ़ा है, उन्होंने ये बिजनेस को अच्छे से जाना है, अपना ग्रोथ किया है, उनका एक्सपीरियंस
ये स्क्रिप्ट में लिखा गया है, राइट। सो सब चीजें स्पीड में होगी अभी से, इनविटेशन स्पीड में होगा, मीटिंग स्पीड में होगा, एक्टिवेशन स्पीड में आएगा, सब चीजों में हमको स्पीड लाना है, इसलिए स्क्रिप्ट हमने बनाया है। आगे देख लेते हैं जल्दी से, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डू हैव द स्क्रीन शेयरिंग फर्स्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जो हमारा नेक्स्ट पेज है। एक चीज जो था वो 1 मिनट का वीडियो वाला जो था वो शेयर करना रह गया है, डू शेयर दैट पेज। जैसे हमारा इनविटेशन खत्म होता है, हमारा इनविटेशन कंप्लीट हुआ, इनविटेशन कंप्लीट हो गया, टाइम कंफर्मेशन हमने उनके पास से ले लिया, फिर हमको उनको 1 मिनट का वीडियो भेजना है। हमारा 1 मिनट का वीडियो है, हाउसवाइफ को क्या भेजना है, जॉब वाले को क्या भेजना है, वो 1 मिनट का वीडियो हमने उनको भेज दिया। आप में से सबके पास वो 1 मिनट का इनविटेशन का जो कंफर्मेशन वाला वीडियो है वो है आपके पास, वो आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अगर आपके पास नहीं है तो ना रिप्लाई कीजिए, हाँ है तो यस रिप्लाई कीजिए। जो 1 मिनट एंड 3 सेकेंड का कंफर्मेशन वाला वीडियो है, आपने किसी को भी इन्वाइट किया, राइट, उसका कंफर्मेशन हमने उनको भेज दिया वो 1 मिनट के वीडियो के अंदर, जिसमें उनका कंफर्मेशन हो जाता है कि हम ये टाइम के ऊपर आएंगे, जिसमें जो ये बात बताया गया है वो मैंने ही 1 मिनट के अंदर वापस से रिपीट करके उनको कंफर्मेशन किया है कि आपको जाना है। क्योंकि जब भी कोई चीज दूसरी बार तीसरी बार बताई जाती है तो उसका ज्यादा महत्व पैदा हो जाता है। तो अगर आपके पास वो 1 मिनट का इन्विटेशन का वीडियो नहीं है तो आपको अपनी अपलाइन के पास से मंगवा लेना है, राइट, अभी ही मंगवा लेना, आज ही मंगवा लेना, ओके। अपने पास सब सिस्टम रेडी है बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, आपको खाली सिस्टम को फॉलो करना है, ओके। सो सब सब मैंने जैसे बताया, अभी धमाके होने वाले हैं, हम धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि सब चीजें ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के तरफ हम जा रहे हैं, ओके। सो ये बात हो गया हमारा 1 मिनट का वीडियो का। बात आता है, एक्चुअली वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ है तो मैं ही समझा देता हूँ। 3 E से हमारा इन्विटेशन होगा। 3 E मतलब हम कोई चीज कैसे बोलते हैं एंड हम कोई चीज में क्या बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ये जो इनविटेशन हमने दिया वो सिर्फ 5% तक मायने रखता है, 95% ये मैटर करता है कि आप कैसे बोलते हैं, आपके बोलने का टोन कैसा है, एक्साइटमेंट कैसा है, एंथुजियाज्म कैसा है, एनर्जी कैसा है, जुनून कैसा है, मोटिवेशन कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको क्या करना है, 3 E, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, ये 3 E के साथ, एनर्जी के साथ आपको किसी के साथ बात करना है। ठंडा बात करेंगे तो कोई आने नहीं वाला है। बहुत अच्छी चीज जब ठंडी तरीके से बताई जाती है, कम टोन में, हेलो मैंने एक चीज के लिए फोन किया था, आपका बातों में कोई दम ही नहीं है तो कोई आने नहीं वाला है। कोई भी इंसान उसी को समय देना पसंद करेगा जिसका बातों में उसको एक दम लगेगा, राइट। तो आपको वो तभी समय देगा, तभी मिलने आएगा जब आपका बातों में एक एक्साइटमेंट होगा, ओके। ये 3 E के ऊपर हमारा बात हो गया। और यहाँ पे लिखा है, यह चीज आपको इनविटेशन में नहीं बतानी है। क्या लिखा है मैंने, ओके आ गया हमारा जुनून। इनविटेशन के बाद 1 मिनट का वीडियो उन्हें भेजना है, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ वाला जो भी है गेस्ट आपका। 3 E, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, एनर्जी और मोटिवेशन में आपको गेस्ट का इनविटेशन करना है, क्योंकि हम क्या बात करते हैं वह 5% है, और हम कैसे करते हैं वो 95% है, राइट। एंड द लास्ट जो स्लाइड है हमारा, लास्ट जो पेज है हमारा, आपको कौन सी चीजें नहीं बोलनी है वो भी ये पेज में लिख दिया है हमने, ताकि आप जब आपके डाउनलाइन को आगे समझाते हैं तो आप इसी में से वो बात समझा सकते हैं, कोई बात आप ना भूले, ओके। तो इसमें क्या लिखा है, ओके, हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हमने इसमें बता दिया है, 3 ऑब्जेक्शंस। उससे पहले आपको क्या चीजें नहीं बतानी है, मैंने एक चीज ज्वाइन किया है, मैंने कंपनी का शुरुआत किया है, तो प्लीज आ जा। प्लीज शब्द का सवाल, प्लीज शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्लीज आ जा, प्लीज 15 मिनट तो निकाल, प्लीज 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 बोल के कभी सेलिंग नहीं होता है, प्लीज बोल के खाली बेगिंग होता है। बेगिंग मतलब हम किसी को कोई चीज भीख मांग रहे हैं,
उसको बेगिंग बोलते हैं। सो डोंट यूज द वर्ड प्लीज, वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर अ बिजनेसमैन। हम एक बड़ा बिजनेस उनको बता रहे हैं, तो आपका बातों के अंदर ये सब शब्द नहीं आने चाहिए, राइट? हमको प्लीज का शब्द का यूज नहीं करना है। मैंने कुछ प्रोडक्ट लेने का शुरुआत किया है, नहीं करना है। मैंने एक चीज ज्वाइन किया है, वो नहीं बोलना है। मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया है या मैंने उसमें काम शुरू किया है, कंपनी शब्द नहीं आना चाहिए, राइट? इसलिए आप पूरा इनविटेशन में देखेंगे तो आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। क्या आप सब मेरे साथ है? यस नो? क्या आप धमाके करने के लिए रेडी है? यस नो? कल ही हमको बहुत ज्यादा लोगों को फोन करना है, उनका हमको इनविटेशन करना है, हमको उनका मीटिंग करना है, राइट? आगे बढ़ते हैं जल्दी से लास्ट पेज के ऊपर कि हमको कौन से कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं गेस्ट के। कॉमन ऑब्जेक्शंस, जैसे गेस्ट हमको क्या बोलता है, क्या बोलता है गेस्ट हमको? लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऑब्जेक्शन मतलब, उसको थोड़ा अनुवाद नहीं किया है, ऑब्जेक्शन मतलब कोई भी चीज आने से पहले गेस्ट के जो सवाल होते हैं वो। थोड़ा ज्यादा बताओ फोन पर ही इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में थोड़ा फोन पे ही बता दो। तो कुछ लोग मीटिंग चालू कर देते हैं, पूरा 3 करोड़ तक उसको फोन पे ही समझा देते हैं, वो पूरा समझ जाते हैं फिर आता ही नहीं है। यस और नो? तो क्या करना है आपको, फोन पे कोई भी चीज बतानी है तो क्या बतानी है, क्या नहीं बताना है, सब यहाँ पे बताया हुआ है। थोड़ा ज्यादा बताओ, एक्चुअली 30 से 40 मिनट का हमारा पूरा पीपीटी पर मीटिंग रहता है, इतना सारा बात फोन पर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम इसके ऊपर मिलकर बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर मिलकर बात करते हैं। 30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रहेगा, पूरा पीपीटी के साथ आपको समझाया जाएगा, जो फोन पे मेरे लिए आपको समझाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग मिल के बात करेंगे, राइट? यह प्रोडक्ट बेचने वाला, सेकेंड ऑब्जेक्शन, दूसरा तकलीफ, यह प्रोडक्ट बेचने का, लोगों को ज्वाइन कराने का वैसा तो नहीं है ना, मुझे भी पहले यह सेशन के लिए बताया था तब ऐसा ही लग रहा था, पर जब मैंने अटेंड किया तब पता चला कि कितना डिफरेंट, मतलब अलग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब चीज है, और कितने लेटेस्ट ट्रेंड, मतलब तेजी, कितने लेटेस्ट ट्रेंड मतलब तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों के साथ यहाँ से आगे लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए हम मिलके बात करते हैं। मतलब हमने यहाँ पे ट्रिपल एफ रूल यूज किया है। ट्रिपल एफ मतलब फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड मतलब मैं भी यही सोचता था, मेरे को भी यही लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। मतलब हमने क्या है, गेस्ट की बातों को सामने ऑब्जेक्ट नहीं किया, हमने क्या उसकी गाड़ी में बैठ गए। एक्चुअली जब मुझे पहले बताया था तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बट ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अलग चीज है, राइट? बहुत जो लेटेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स है इसके साथ यहाँ पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम इसके ऊपर मिल के बात करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा ऑब्जेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्शन, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सही बात है, आपका क्या मानना है, आप मल्टीपल इनकम, आज मल्टीपल इनकम होना चाहिए या नहीं, मतलब इनकम के एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए या नहीं। हम ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब ना में नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि हमको ना सुनना ही नहीं है। क्या आपने कोई पॉलिसी, आईपीओ, आईपीओ मतलब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप जैसे फ्यूचर के लिए उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, पैसा भर रहे हो, वैसे ही यहाँ पर एक इंटरेस्ट लेना है, मनी नहीं भरना है, पर 30 से 40 मिनट देना है आपके फ्यूचर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि पॉलिसी में आपको सिर्फ 6 या 7% रिटर्न मिलता है, जिसमें महंगाई भी कवर मतलब महंगाई का भी हम कुछ नहीं कर पाते उसमें, इसलिए हम मिलके बात करते हैं यह कॉन्सेप्ट के या तो फिर यह चीज के ऊपर, राइट? मतलब मुझे किसी ने बताया ये सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने उनको एक बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया है कि आपका क्या मानना है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मतलब आय का एक से ज्यादा अतिरिक्त जरिया होना चाहिए या नहीं। गेस्ट ने बोला हाँ होना चाहिए, जिसके लिए आप पॉलिसी में इन्वेस्ट करते होंगे या तो फिर आप
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो पॉलिसी आपको सिर्फ इतना ही रिटर्न देता है जिसमें महंगाई का भी कुछ नहीं होता है। ओके सो क्या आप सब मेरे साथ है? क्या आप सबको क्लियर हो रहा है? क्या ऑब्जेक्शन है, कैसे हैंडल करना है? यस नो, ये सेशन जो है हमारा रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, तो आपके जो ओबीओज है, जो बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, किसी का कुछ ना कुछ इश्यू का नेटवर्क इश्यू है जो भी चीज के कारण, उनको भी हम ये चीज फॉरवर्ड कर देंगे। सो ऑब्जेक्शन, गेस्ट आता है उससे पहले आपको ऑब्जेक्शन देता ही है। आप कॉल कर रहे हैं तो पहले सोच के ही कॉल कीजिए कि ऑब्जेक्शन आने ही वाला है, आएगा तो अपने एकदम जबरदस्त उनको आंसर दे ही देंगे। ओके सो तीन प्रकार के ऑब्जेक्शन को हमने हैंडल किया, इससे थोड़े ज्यादा, ये कॉमन चीज है, कॉमन ऑब्जेक्शन है जिसको हमने उनका सवाल का जवाब दिया। ज्यादा आते हैं तो वो तो फिर आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं बाद में कि क्या है उसमें। अभी कॉलिंग में थोड़ी चीजें हम थोड़ा देख लेते हैं कॉलिंग के अंदर। कॉलिंग में ऐसा है कि 50% तक लोग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कारणों के कारण कॉल ही नहीं करते हैं, क्योंकि डर लगता है, स्क्रिप्ट क्या है वो पता नहीं होता है, समझा नहीं होता है, सीखा नहीं होता है, ये सब गलत बात बोल देते हैं, जिसमें गेस्ट उनको बोलता है वो ऐसा है वो वैसा है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है वो थोड़ा नहीं पता होता है। तो अभी हमको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कॉलिंग करना है, राइट? तो जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया कि हम गेस्ट को क्या कर रहे हैं, हम गेस्ट के सामने एक वैल्यू शो कर रहे हैं। वैल्यू मतलब हम गेस्ट को एक आने का कारण दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपका जीवन कैसे बेहतर बन सकता है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, नो महंगाई से ऊपर जाना है, स्ट्रेस से दूर जाना है, राइट? फिर आपको जो संतुष्टि नहीं है काम के अंदर उससे आपको बाहर निकलना है। तो ये सब चीज का हमने इनविटेशन के अंदर बातें कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं आपके साथ हेल्प कर रहे हैं, वो एटीट्यूड। ओके यस, हम किसी की मदद कर रहे हैं वो भावना से हमने कॉल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, उसको लिखना है वो पॉइंट को। जैसे मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था, सेल्स के ऊपर था, जिसमें ये बात बताया था कि हमने जो है हमारे लोगों को, चलो स्क्रिप्ट बता दिया, सिखा दिया, उसके बाद ये छोटी चीज करने से हमने इनका जो सेल्स है वो 100% बढ़ा दिया। हमने जो इनका एफिशिएंसी, मतलब जो इनका रिजल्ट है, वो 100% बढ़ा दिया। क्या चीज करके? वो था एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब खुद से किया हुआ बातचीत। जब कोई लोग कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, अरे यार होएगा कि नहीं होएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं सही से बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा नकारात्मक बातें करके जब कॉलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट घट जाता है। आपको कैसे कॉलिंग करना है? आपको बात करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, एक विनिंग एटीट्यूड से, एक जीतने वाले एटीट्यूड से आपको गेस्ट के साथ बात करना है। मतलब खुद से पहले हमने कॉल करने से पहले क्या बात किया, मेरा मीटिंग होने ही वाला है, मेरा सक्सेस होने ही वाला है, मेरे सपने पूरे होने ही वाले हैं, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ गेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ। वो खुद से बात करके आपको गेस्ट को कॉल करना है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ टॉक। आपको ST रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ST सेल्फ टॉक, खुद से किया गया बात। खुद से अगर आप नकारात्मक बात कर रहे हैं तो रिजल्ट भी नकारात्मक ही मिलने वाले हैं। अगर आप खुद से एकदम डरा डरा बात कर रहे हैं, अगर आप खुद से एकदम छोटा 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 कि कुछ होएगा कि नहीं होएगा वैसा बात कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको कैसे बात करना है? आपको एक विनिंग एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ आपको गेस्ट के साथ बात करना है कि खुद से पहले हमने क्या बात किया, मैं जीतने ही वाला हूँ, राइट? सेल्फ टॉक। सबका रिप्लाई नहीं आया कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं सभी से रिप्लाई जाता हूँ कमेंट सेक्शन में। कितने लोग हैं जो खाना खाने बैठ गए हैं, छोले चना बनाया मेरे घर पे तो मैं खा रहा हूँ। क्या होता है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ द गेस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने किसी को फोन किया,
उन्होंने ऐसा हमको बोला कि आज हम पक्का मिलेंगे, एंड वो आज नहीं आते हैं, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, वो तो नेगेटिव है, वो तो नहीं आएगा, वो तो बहुत भाव खा रहा है, बराबर। एक्चुअली वो भाव नहीं खा रहा है, उसको कुछ जेन्यून जेन्यून मतलब सही में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो नहीं आ पाया है। तो क्या करेंगे, 1 से 2 दिन बाद वापस से कॉल करेंगे। अगर आप उसमें ईगो रखेंगे, यार मैं कैसे दूसरी बार फोन कर सकता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको करोड़ों रुपया कमा के देने वाला है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपका मंथली इनकम लाखों रुपए के अंदर, जो हमारा प्लान है 3 करोड़ रुपीज का, वो हमको देने वाला है, राइट, आपके पास आने ही वाला है। उसके लिए ये जो चीजें है, ओके, कि जैसे हम बात करते हैं बहुत बार ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जैसे दिलीप संघवी थे सन फार्मा के, जो सबसे बड़ा फार्मेसी कंपनी है हमारे भारत देश का, उसके जो दिलीप संघवी थे, उन्होंने जब सबसे पहला जो लिथोसन करके ड्रग बनाया था, जब वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो थे जिनको वो मिलने जाते थे, तो 7 महीना 8 महीना 9 महीना तक वो डॉक्टर उनको भाव नहीं देता था, उनको अपॉइंटमेंट नहीं देता था। 2015 के अंदर वो भारत के सबसे अमीर इंसान थे दिलीप संघवी, वो पहले 8 महीने तक धक्का खाते थे डॉक्टर का चेहरा देखे बिना, राइट, कि मेरे को अपॉइंटमेंट दे दो, मेरे को अपॉइंटमेंट दे दो। एक ही डॉक्टर के पास 8 महीना 6 महीना धक्का खा रहे, और वो जो डॉक्टर है उनको भाव भी नहीं दे रहा है, राइट। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज के अंदर आपको ईगो नहीं रखना है। वो गेस्ट भी ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आना है, उसका स्केड्यूल में कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो वो नहीं आया है, तो आप उनको 2 दिन बाद वापस से कॉल कीजिए, आप उनका रिसाइकलिंग करिए। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग करना है, रिसाइकलिंग मतलब दूसरी बार इनवाइट करना है। अरे एक्चुअली यार, आप लास्ट टाइम नहीं आ पाए थे, वो सेशन बहुत ही मस्त रहा था, वो सेशन के अंदर बहुत ही अच्छा बात किया गया था, जिससे आज बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। अभी हमने सेशन वो आज के दिन के अंदर दूसरे सीनियर का वापस से रखा है, ऐसा हमने उनको हाइप बना के वापस इनविटेशन किया, राइट। कुछ गेस्ट होंगे दूसरी बार भी नहीं आए हैं, तो हमको क्या करना है, एक एक दो दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हम उनको तीसरी बार इनविटेशन करते हैं, राइट। मान लो आपने किसी को 5 6 बार इनवाइट कर लिया है, 5 to 6 time इनविटेशन कर लिया है, तो आप उनका एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, एंड आपका जो भी अचीवमेंट आ रहा है, कुछ रिवॉर्ड फॉर्म में आया, राइट, कुछ आपका इनकम फॉर्म के अंदर आया, तो फिर आपको वो चीज उनको फॉरवर्ड करनी है कि जो सेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां से मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का शुरुआत कर दिया है, राइट। सो हम एक मीटिंग के लिए जो टाइम है वो फिक्स करते हैं। ऐसे लोगों का जो लोग है, मतलब आपका जो डायरी है उसमें आपका जो गेस्ट लिस्ट है, उसमें आपने किसी को फोन किया, उन्होंने क्या बोला कि आज मैं नहीं आ सकता हूँ, आज मेरा फंक्शन कोई है, या तो आज मुझे बाहर जाना है, या तो मेरे घर में कोई बीमार है, उन्होंने ऐसा बोला, तो आपको वो कॉलम में जो गेस्ट लिस्ट है नाम लिखा है, उसके बाजू में जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है कि मुझे इनको 4 दिन बाद वापस फोन करना है। क्योंकि 50% तक हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरी बार लोग फोन ही नहीं करते हैं, आज उन्होंने ना बोला तो दोबारा उनका कॉलिंग होता ही नहीं है। एंड 80% तक लोग ऐसे हैं जो दोबारा मतलब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम कॉल करने पे भी आ जाते हैं, राइट। एटलीस्ट 50% तो ऐसे होते ही है जो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कॉल करने के बाद आते हैं। तो आपको आर रिप्लाई करना है, आर फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग हमारे बिजनेस में इन्विटेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा अहम अहम पार्ट है, अहम पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। आपको गेस्ट का क्या करना है, आपको गेस्ट का रिसाइकलिंग करना है, डू द रिसाइकलिंग ऑफ द गेस्ट। ओके, सो हमको पहले इसमें कोई ईगो नहीं रखना है, गेस्ट का जेन्युइन प्रॉब्लम है, या तो फिर दिमाग से निकल गया है, या तो कुछ इश्यू हो गया है, या तो समय मैनेज नहीं हुआ है, जॉब से लेट छूटा है, घर में कोई आ गया है, नहीं आ पाया, उसका मतलब ये नहीं कि वो भाव खा रहा है, या तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो ईगो बता रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मुझे उनको रिसाइकलिंग करना है, 1 2 दिन बाद मैं वापस फोन करूंगा। तो आपके भी जो ऐसे पुराने गेस्ट थे जो नहीं आ पाए थे, उनको आपको रिसाइकलिंग करना है,
उनको आपको वापस फोन करना है। मैंने आपको जो सेशन के बारे में बताया था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, बहुत लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वो दिन नहीं आ पाए थे तो हम एक टाइम रीशेड्यूल कर लेते हैं, राइट? आपको याद है ना हमारा क्या बात हुआ था? वो बात करके आप उनको री इन्विटेशन कीजिए। देखो महंगा ये है, इतना हो गया है, मार्केट सिचुएशन ये है, सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, वो आप उनको रिपीट कर दीजिए। ओके, ये हो गया हमारा री इन्विटेशन, ये हो गया हमारा रिसाइकलिंग, राइट? तो आज जो हमारा दो स्किल्स के ऊपर मेन बात हुआ है, फर्स्ट वॉज द प्रोस्पेक्टिंग एंड सेकेंड वॉज द कॉलिंग, राइट? सो क्या आप एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? यस नो? आर यू ऑल फीलिंग कॉन्फिडेंट? आर यू ऑल फीलिंग एक्साइटेड? आर यू ऑल फीलिंग मोटिवेटेड कि बस कल से अभी खतरनाक लेवल ऑफ कॉलिंग करेंगे, कल से अभी एक खतरनाक लेवल ऑफ इन्विटेशन करेंगे, मीटिंग सेट करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हर एक बार ट्रेनिंग सेशन में बात होता है, जिसका नंबर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है उसका सक्सेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। ओके, नंबर्स नंबर्स मतलब ज्यादा नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। जो बिजनेस ये बिजनेस के अंदर सफल बन रहे हैं, एक ही कारण है, वो ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं, राइट? सो आपको कल कॉलिंग इस प्रकार से करना है, प्रोस्पेक्टिंग अभी आपको इस प्रकार से करना है, राइट? सो कुछ ओबीओ से जान लेते हैं।